आज दिवाली स्पेशल रेसिपी में बनाई ऐसी मिठाई जिसको बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और खाने में ये लगती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इसको आप घर में रखे बस 2 से 3 सामान से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बनाना हमारी ये टेस्टी सी रेसिपी जिसमें मैं बनाने वाली हूँ नारियल के लड्डू। तो उसके पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को हैप्पी दिवाली। यहाँ पे मैंने इस बर्तन में निकाला है 1.5 कप के करीब नारियल बुरादा। आप किसी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी से आप सारा मेज़रमेंट करिएगा आगे का। तो सबसे पहले जो हमारा नारियल बुरादा है इसको एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच के करीब देसी घी डाल के हल्का सा हम भूनेंगे बस इतना कि उससे एक अच्छी सी महक आने लगे, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो बस अभी हम इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आराम से चलाते हुए भूनेंगे। 1 से 2 मिनट में आप देखेंगे कि इसका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और एक अच्छी सी महक आने लगेगी, बस उतना ही हमें इसको भूनना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप दूध। दूध यहाँ पे ना ही हम ठंडा डालेंगे ना ही गर्म डालेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालेंगे। और दूध डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दूध कम लगा तो मैंने 2 से 3 बड़ा चम्मच दूध और ऐड कर दिया था। दूध डालने से ये जो हमारा बुरादा है नारियल का ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस इसको लगातार चलाते हुए हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच के करीब चीनी। तो शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो 1.5 कप नारियल बुरादा यूज़ किया है उसके हिसाब से चीनी डाली है। और चीनी डालने के बाद हम इसको बराबर मिक्स करते रहेंगे जिससे जो चीनी है वो जल्दी से हमारी मेल्ट हो जाएगी। तो अभी चीनी मेरी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई थी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर 1/2 कप मलाई भी डाल सकते हैं। दोनों में से कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर करिएगा, इससे जो हमारे लड्डू बनेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इनका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो अभी मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर लम्स पड़ जाते हैं तो उसको आप इस तरीके से स्पैचुला से तोड़ तोड़ के ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने 8 से 10 काजू को बिल्कुल बारीक सा कट करके ऐड कर दिया है। काजू डाल करके इसको मिक्स कर देंगे और अगर आप काजू ना डालना चाहें तो आप यहाँ पे बादाम भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने बिल्कुल पिंच ऑफ येलो कलर को दूध में मिक्स करके डाल दिया है। इससे हमारे जो लड्डू हैं उनका बिल्कुल हल्का येलो येलो सा कलर आएगा। तो कलर डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए नहीं तो आप नॉर्मली भी बना सकते हैं लड्डू। अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसको थोड़ा सा हम चलाते रहेंगे जिससे जो मिक्सचर है थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मिक्सचर अच्छे से ड्राई हो गया है, इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है। तो अभी हम इसको निकाल देंगे एक प्लेट में और इसको थोड़ा सा फैला करके 5 मिनट के लिए रख देंगे साइड में जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक छोटी प्लेट में थोड़ा सा और नारियल का बुरादा निकाला है और उसमें मैंने 8 से 10 पिस्ता को बिल्कुल बारीक बारीक कट करके डाला है। और ये जो नारियल का बुरादा यहाँ पे मैंने लिया है इसको मैं आगे इस्तेमाल करूँगी हमारे नारियल के लड्डू को रोल करने के लिए, जिससे वो देखने में बिल्कुल बाजार जैसे लगेंगे। अभी हमारा मिक्सचर इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसको हाथ से टच कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर एक चम्मच से इस तरीके से पार्टीशन से बना लिए हैं कि एक एक पार्टीशन मैं लेती जाऊँगी तो हमारे जो लड्डू बनेंगे ना वो एक ही साइज़ के बनेंगे, छोटे बड़े नहीं बनेंगे। तो बस एक एक हिस्सा मैं उठाती जा रही हूँ और इसको हल्के हाथों से बिल्कुल हमें दबा के उसको पहले बिल्कुल लड्डू जैसी शेप देनी है और उसके बाद हाथ से हम इस तरीके से गोल कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा ये लड्डू बन गया है। इसके बाद क्या करना है कि जो ये नारियल का बुरादा और पिस्ता का मिक्सचर बनाया है उस पर ये लड्डू रख देंगे और हल्का सा प्लेट को हिला करके या फिर हाथ की सहायता से हम इस पूरे लड्डू को नारियल बुरादे से कोट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमें कोट करना है, इससे हमारे लड्डू देखने और खाने दोनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। और मार्केट में भी वो नारियल के बुरादे से लड्डू को हल्का सा कोट करते हैं, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता ऐड किया है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाएंगे, पर पहले मैं अब सारे लड्डू बना के रख लेती हूँ, इसके बाद हम इसको कोट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप आने वाले सारे वीडियोस को देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल एक ही साइज़ के हमारे लड्डू यहाँ पर बन करके रेडी हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं
और बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। मतलब 10-15 मिनट में आपके ये लड्डू बनके रेडी हो जाएंगे और ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे लड्डू बन चुके हैं और अब मैं इनको एक एक करके जो हमारा नारियल बुरादा है उसमें इस तरीके से कोट कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से मैंने सारे के सारे लड्डू बनाए हैं और मेरे घर में फेस्टिवल में नारियल से रिलेटेड कोई ना कोई मिठाई बनती ही बनती है, क्योंकि सबको बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों अगर आपको भी मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप एक बार इस लड्डू को ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं और मैंने इसको प्लेट में अच्छे से निकाल दिया है और आप देखिए इनका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है और सारे लड्डू बिल्कुल एक ही साइज़ के बने हैं। तो चलिए आपको एक लड्डू में तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि हमारे लड्डू का कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और इसका कलर तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल लाइट येलो सा कलर है और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। तो दोस्तों आप भी इस दिवाली पर ये नारियल के लड्डू बना करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसानी से ही बन के रेडी हो जाते हैं और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके लड्डू बिगड़ जाएंगे। वही मेरी तो ये दिवाली स्पेशल मिठाई बन करके हो गई है रेडी। और यहाँ पर मिठाई को तोड़ने के साथ ही मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी किया था, बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी बन के रेडी हुई थी। आप भी एक बार इसको ज़रूर बना के देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।